हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि ना सुबह से वीडियो शूट नहीं हुआ और अभी हो रहा है 5:30 या 5 का टाइम हो रहा है, 4:30 का लगभग। तो मैंने सोचा इवनिंग का वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाता है वीडियो। तो अभी तो मैंने ना इवनिंग में मतलब चादर वगैरह सही करके बस चाय पीने बैठी हूँ। बच्चे थे पूरा दिन तो फैला दिया था। तो ये है मेरी चाय, ये है मनी की, और ये रखा है बिस्कुट जो कि मनी खाएगी। मैं नहीं खाऊंगी, खाली चाय पीऊंगी मैं। तो गाइस, आज मैं देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी और इवनिंग का रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, और छोटा सा वीडियो होगा तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज गाइस वीडियो को फुल वॉच किया करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो एकदम बेकार हो जाता है, उसकी रेटिंग पूरा गिर जाती है और कुछ बेनिफिट नहीं होता हम लोगों को। तो प्लीज बहुत मुश्किल से वीडियो बनता है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा मतलब देख के ही कमेंट करना, क्योंकि सभी लोग आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, कोई बेनिफिट नहीं होता। तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट समझ के मान लेना। तो मिलती हूँ भी आप लोगों से थोड़ी देर में, पहले मैं अपना चाय खत्म कर लेती हूँ। तो बाय बाय, थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे। हेलो गाइस, मैं ये इवनिंग का टाइम है तो मैं पहले ये चादर सही कर देती हूँ, उसके बाद मेरी चाय रखी है मैं वो पीऊँगी, क्योंकि ना बेड में से कुछ सामान निकाला था तो पूरा चादर एकदम तहस नहस हो गई थी। और चाय वगैरह करने के बाद मैंने झाड़ू लगाई और चादर वगैरह सही कर दी, क्योंकि कल से मुझे करनी है क्लीनिंग शुरू, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं की, बस ऐसी कर दी थी चादर ठीक। और ये सिलेंडर रखा है जो कि मैंने अभी लिया था, डिलीवरी वाला आया था ना सिलेंडर देने वाला, तो मैंने यहीं पर रख दिया। इसे उठा के मैं अंदर रख दूँगी पहले, फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो उसके बाद ये शाम का समय हो रहा है तो मुझे खाना बनाना है, तो मैंने आलू को बॉईल किया है, और इसमें जो दूसरा दिख रहा है वो ग्वाल फली है। एक ही शायद तो बॉल मतलब बॉईल कर दिया था मैंने, ताकि थोड़ा जल्दी भी हो गया और थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ थी, तो एक साथ बॉईल करने में कोई वो नहीं था। मैं आलू अलग निकाल दूँगी और फली अलग निकाल दी, और उसके बाद आलू ठंडे हो जाएंगे तब छील दूँगी। और ये फली को भी मुझे साफ़ करना है, मैं बॉईल करने के बाद ही साफ़ करती हूँ, जिससे कि इसके सारे रेशे निकल जाते हैं, और नहीं तो दांतों में फंसते हैं ये रेशे। कच्चा साफ़ करो तो मुझे बहुत गंदा लगता है वो। और उसके बाद कर दूँगी मैं मतलब साफ़ सफाई करके फली की। मैं पहुँच गई थी मंदिर में दिया जलाने, क्योंकि सैटरडे था तो मुझे दिया जला के आना था, तो मैं मंदिर जा कर दिया जला के आ गई पहले, और उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो मैं लाइट ऑन कर रही थी तो वो आंटी बैठी, कह रही लाइट ख़राब हो गई है मंदिर की, और वो मुझसे बार बार कह रही कि लाइट लगवा देना दीपावली पे। तो मैं कह रही हाँ आंटी लगवा देंगे, तो बस मैं उनसे वही बात कर रही थी। तो दिया जला के आ जाऊंगी। शाम का समय है तो मंदिर में भीड़ नहीं थी, मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ रहती है, शाम को तो बस एक आध दो ही आते हैं दिया जलाने वाले। और दिया जला के चली जाऊंगी घर, क्योंकि ना मुझे घर पे भी पूजा करनी थी, अभी घर का जला के नहीं गई थी मैं, और पहले मंदिर में जलाया आई थी। इवनिंग में तो बस यही काम रहता है कि दीपक जलाओ और मतलब डिनर वगैरह का, कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं रहता है। तो मेरे साथ मनी गई थी और अन्नू गई थी, दो लोग गए थे, तो वो भी आए नहीं है कैमरे में, मैं उनसे ही कुछ बोल रही हूँ, लेकिन दोनों यहीं पर थी। और दिया जला के पूजा, मैंने घर पे भी आके दिया जला दिया था, तुलसी में रख दिया था जला के, और मंदिर में भी, क्योंकि कार्तिक चल रहा है ना, कार्तिक में पर डे दिया जलाते हैं हम लोग तुलसी में, सभी लोग जलाते हैं, मैं ही नहीं तुलसी में, सभी शाम को कार्तिक में दिया जलता ही जलता है सबके घर में। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने ये दो टमाटर कट कर लिए, दो तीन हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने अदरक ग्रेट करा था इससे पहले, मैं उस समय कुछ और बोल रही थी तो बता नहीं पाई, थोड़ा सा बिल्कुल किया है। और ये ऑयल में मैं जीरा डाल दूँगी और हींग डाल दूँगी, इसमें कोई लहसुन प्याज ऐसा कुछ नहीं डालती मैं, ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ लहसुन प्याज का, बस कभी कभी करती हूँ। और ये डाल दिया मैंने टमाटर, और ये दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने रख दिया है, क्योंकि गर्म पानी डाल दो ना सब्ज़ी में आलू टमाटर की तो एकदम से बन भी जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये पानी जब तक उबल जाएगा
और मेरा इधर मसाला रेडी हो रहा है दूसरी गैस में, तो ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, यही सब डाल रही हूँ। रेगुलर मसाले ही हैं सब, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, लेकिन ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है आलू टमाटर की। और इसके साथ मुझे चावल और रोटी दोनों ही बनानी है डिनर में, और बहुत फटाफट बन जाती है। कभी कभी ना अगर लेट हो रहा हो किस खाने वगैरह को, तो एकदम से बन के रेडी हो जाती है। और ये मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून दूंगी इसे तेल ऊपर आने तक, और भुन ही चुका है लगभग। देखो ये मेरा मसाला हो गया है रेडी। तो मैंने जो बॉईल किए थे आलू, उसमें फोड़ के मैं डाल दूंगी, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और हम मतलब मेरे घर में तो सभी को पसंद है, तो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। और मेरे ख्याल से आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादातर सबको पसंद रहती है, और चाहे चावल से खाओ, पूड़ी पराठा, जिससे भी खाओ, खूब टेस्टी लगती है। और ये मैंने डाल दिया गर्म पानी इसमें, बस ये अभी ये 2 मिनट में ही बन कर रेडी हो जाएगी। और धनिया पत्ता डाल दूँगी बाद में जब ये बन जाएगी। तो अभी थोड़ी पतली दिख रही है, लेकिन जब बन जाएगी तो अच्छी मतलब ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी। तो ये हैं चावल जो कि मैंने अभी बनाए थे। तो मैं किसको हर्ष को खाना दे रही थी, निकाल रही थी, लेकिन उसने ना चावल ज़्यादा हो गए उस मतलब चावल खाए भी नहीं, एक दो चम्मच खाए थे उसने, और ज़्यादा थे। तो फिर बाद में मैंने और मनी ने खाए थे। और ये देखो कितना थिक हो गई ये सब्ज़ी, पहले कितना पतली दिख रही थी और बहुत टेस्टी बनी थी। और ये फली है जो मैंने ग्वाल फली साफ की थी ना, उसकी सब्जी है ये, और बहुत टेस्टी बनती है। मेरी तो बहुत फेवरेट है ये वाली सब्जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये है रोटी। तो अंदर हर्षु और मणि दोनों ही बैठे हैं, तो पहले मैं उनको खाना दे दूँगी। ये मेरा ना दुपट्टा अटक गया उसमें ट्राईपोड के, तो मैं वही निकालने लगी। तो आ जाइए गाइस आप भी। हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मैं वीडियो का कल वाला जो वीडियो था उसका मैं एंड करने जा रही हूँ, और इग्नोर करना बाहर से वॉइस आ रही है, क्योंकि कोई अमरूद वाले एक भैया है उनकी आवाज आ रही है, तो इग्नोर करना कोई नहीं। तो गाइस मेरा वीडियो जो है, वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक करना, और चैनल को जो भी न्यू है प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना। और मेरा वीडियो कल का कैसा लगा था तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे दीपावली की थोड़ा सफाई करनी है। तो मैं अभी ये वीडियो का एंड कर रही हूँ और दूसरा वीडियो स्टार्ट करूंगी, तो इसको मैं अपलोडिंग पर लगा दूंगी। तो आज ही आपको मिल जाएगा गाइस ये वीडियो, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को देखना और कमेंट करके बताना कि क्या। बाय बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, बाय बाय।